हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लें ताकि आप देख पाएं हमारे सारे वीडियो सबसे पहले। कंगना रनौत और उनकी बहन रंगोली चंदेल पर किया सोनाक्षी ने वार। नेपोटिज्म टॉपिक को लेकर किया उन्हें स्लैम। आखिर क्या कहना है सोनाक्षी का, आइए जानते हैं। सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद बैकफुट पर आई फिल्म इंडस्ट्री इन दिनों कई लोगों के निशाने पर है। यही वजह है कि स्टार किड्स को लोग जमकर खरी खोटी सुना रहे हैं। इस लिस्ट में सोनम कपूर से लेकर सोनाक्षी सिन्हा तक का नाम शामिल है, जिसकी वजह से कई फिल्मी सितारों ने या तो सोशल मीडिया से ही तौबा कर ली है या फिर अपना कमेंट सेक्शन ही लिमिटेड कर दिया है। लोगों के इस गुस्से को अदाकारा कंगना रनौत ने जमकर हवा दी है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद कंगना रनौत ने ही फिल्म इंडस्ट्री की कलाई खोलकर रख दी थी। इस दौरान अदाकारा सोनाक्षी सिन्हा ने भी ट्विटर को बाय बाय कर दिया था। हालांकि अभी भी सोनाक्षी सिन्हा दोबारा सोशल मीडिया पर आने की प्लानिंग में नहीं है। सोनाक्षी सिन्हा ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान बताया है कि वो सोशल मीडिया से दूरी बनाकर काफी खुश महसूस कर रही है। इसी बीच जब सोनाक्षी सिन्हा से नेपोटिज्म के मुद्दे पर भी सवाल पूछा गया, तब उन्होंने बात करते हुए इशारों ही इशारों में कंगना रनौत को घेर लिया। उन्होंने कहा कि उन्हें ये देखकर काफी हैरानी होती है कि जो लोग नेपोटिज्म पर झंडा बुलंद किए हुए हैं, उनकी बहन ही उनका सारा काम देखती है। उन्होंने कहा कि वो इस मुद्दे पर अपना जरा सा भी ध्यान नहीं देना चाहती है। सोनाक्षी ने कंगना का या उनकी बहन रंगोली चंदेल का नाम तो नहीं लिया, लेकिन सोशल मीडिया यूजर्स यही मान रहे हैं कि सोना ने उन दोनों को निशाने पर लिया है। वेल, अपनी बात को आगे जारी रखते हुए सोनाक्षी सिन्हा ने बताया कि भले ही वो शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी है और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी है, लेकिन बावजूद इसके उनके पिता ने कभी भी उन्हें काम दिलाने के लिए किसी प्रोड्यूसर या डायरेक्टर से बात नहीं की है। उन्होंने बताया कि उन्हें दबंग भी इसीलिए मिली थी क्योंकि वह सलमान खान के परिवार के करीब है। जब ये फिल्म बन रही थी तो उन्होंने ही सोनाक्षी को रज्जो के किरदार के लिए परफेक्ट समझा था और इसीलिए उन्हें इस फिल्म में काम करने का मौका मिला था। सोनाक्षी ने आगे इनसाइडर्स और आउटसाइडर्स की डिबेट के बारे में बात करते हुए कहा, क्या किसी ने गिनती की है? आज इनसाइडर से ज्यादा इस इंडस्ट्री में आउटसाइडर्स है और उन लोगों ने मेहनत करके अपने लिए एक जगह हासिल की है और देखा जाए तो उनकी सफलता किसी भी इनसाइडर से ज्यादा ही है, तो इस बारे में बात कोई क्यों नहीं करता। फिलहाल लोगों में बहुत गुस्सा है, लोगों को भड़काया जा रहा है। एक इंसान कुछ कहता है और फिर वो सुनकर पूरी दुनिया स्टार किड्स को अटैक करने लग जाते हैं, वो भी बिना किसी सेंस के। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपका इस बारे में क्या विचार है, ये हमें नीचे दिए कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें जिससे हमें और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगा।